हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। जैसा कि हम लोग स्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो पे हैं, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स और एक क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल को हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ था। देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्पल्स हैं चाहे वो एक्सरसाइज में हैं, जो बेस्ट सुटेबल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि सारे नहीं करने हैं, सारे करने बैठेंगे तो आपका मिड टर्म भी रह जाएगा और पूरा कोर्स भी नहीं हो पाएगा। तो जो आते हैं पेपर में, क्योंकि आपको 6 में से 3 ही करने हैं, तो अपने को और भी चीज़ें कवर करनी है कि उन 6 में से एटलीस्ट हमें 4 आते हों। 3 तो आते ही हों, ज़्यादा भी आए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एकदम 3 एग्जैक्ट प्रिपरेशन करके जाएंगे तो हो सकता है एक नहीं आए या एक छूट जाए आपका। तो 4 कम से कम तो आने ही चाहिए आपको। दैट मीन्स कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप जो जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उन्हें मैं ज़रूर करा रहा हूँ। बाकी और क्वेश्चन आप कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन, या अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसे भेज सकते हो और उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन या फिर डाउट सेशन, डाउट वीडियो, जितने ज़्यादा लोगों ने भेजा होगा उस हिसाब से मुझे लगेगा, तो मैं उसका एक वीडियो, डाउट वीडियो भी बना दूंगा एक्सरसाइज का, अगर आपको लगता है जितने ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, या फिर आपको आंसर चाहिए होगा तो भी आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, समझते हैं। इक्वल वेट्स पी एंड पी आर अटैच्ड टू टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग ऐसे हैं जिन पे दो वेट लग रहे हैं, ठीक है, दोनों के वेट पी हैं। अच्छा, और स्ट्रिंग के नेम क्या दिए हैं, ए सी पी एंड बी सी पी। स्ट्रिंग मतलब एक धागा कह सकते हो आप सिंपली, और उस धागे, जैसे मान लीजिए कि ये धागा है और यहाँ पे एक वेट पी लटका दिया गया है, ठीक है, इसका इसका नाम इन्होंने ए सी पी कहीं रखा है। मतलब देखिए, आगे कुछ बोला है फिर और क्लियर होगा। पासिंग ओवर अ स्मूथ पैग सी, मतलब एक ऐसा पैग है जिसे आप हुक कह सकते हो, जिसे एक हुक है यहाँ पे, और इसके ऊपर से हमने स्ट्रिंग को डाला हुआ है। तो अगर एक पॉइंट, क्या कहते हैं, इधर ए है तो इस को सी माना है इन्होंने, जो पेग है आपका उसे सी लट किया हुआ है, ठीक है, और ए सी पी पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ए सी पी दे दिया। अच्छा, इसका पॉइंट का नेम भी पी है और यहाँ पे जो लोड लगाया उसको भी पी ही नाम दिया है, ठीक है, और दो हैं, बी सी पी भी है। अच्छा, बी सी पी कहाँ पर होगा, देखो भाई, देखिए एक तरफ लंबा एक तरफ छोटा तो होना ही चाहिए, तभी वो इक्वली उसको बैलेंस करेगा। जैसे मान लीजिए इधर का लंबा कर दिया मैंने, इधर का छोटा कर दिया, और बी सी पी मतलब बी सी पी, और देखिए ठीक है, एक और बनाया इन्होंने, एक और स्ट्रिंग, वैसे इन्हें बोलना चाहिए कि अपोजिट साइड में होंगी, तो ऐसे कुछ बोला नहीं है। मान लीजिए ये एक हो गया बी यहाँ पर, सी और एक पी वाला पार्ट, या पी इधर कर दिया और ये बी इधर कर दिया, ठीक है, और इधर पी है, उधर ही हमें एक लोड और लगा दिया, ठीक है। तो मतलब एक में ए लेफ्ट साइड है और पी राइट में लटकाया हुआ है, एक में बी राइट साइड है और पी लेफ्ट में लटकाया है। अभी मैं इसका एक क्लीन स्केच बनाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ। अभी ऐसे सिर्फ एक रफ स्केच चल रहा है, समझने के लिए ओवरऑल क्या हो रहा है। हमेशा ऐसा किया जाता है, जब तक लास्ट तक हम लोग ना पहुँच जाएँ तब तक कोई कंक्लूजन नहीं होता है कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला फिर, अ हैवी बीम ऑफ वेट डब्ल्यू, ठीक है, एक बीम है, एक रॉड है डब्ल्यू वेट की, ठीक है, इसका वेट डब्ल्यू है। अच्छा, हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट डिस्टेंस ए फ्रॉम कैपिटल ए, एंड एक सेकेंड में इसे थोड़ा क्लियर कर ले रहा हूँ। हाँ, क्या है, वेट डब्ल्यू हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम कैपिटल ए एंड स्मॉल बी फ्रॉम कैपिटल बी। इसका मतलब ये है कि जो रॉड जो लटका है वो इन दोनों के बीच में ही लटका हुआ है। अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी की बात करते हैं तो वो ए से ए डिस्टेंस पे है और बी से बी डिस्टेंस पे है, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, शो और क्या बोला, शो दैट ए बी इज़ इंक्लाइंड टू द हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल इतना, ठीक है, एट एन एंगल इतना। तो मान लेते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रेट बनाया है ये स्ट्रेट ना होकर के ऐसे होगी, मतलब कुछ बी यहाँ पे ऊपर लेना पड़ेगा अपने को, बी वाला जो लाइन है ऊपर लेना पड़ेगा, तभी ये जा करके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अब देखिए, मैं इसको एकदम क्लियरली बताता हूँ, इसको इरेज कर लूँ। अब देखिए, स्मूथ पैक पहले बना दिया मैंने, ठीक है, स्मूथ पैक बना दिया मैंने, ये लीजिए, ठीक है, और मैं रॉड भी बना देता हूँ, और रॉड को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए बना हुआ है। देखिए,
ये हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया ऐसे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ठीक है, एक्स एक्सिस यू कैन से दैट। और इसके साथ जो हमारा रॉड बन रहा है वो मैं रॉड इधर ऐसे थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखा देता हूँ, एक रॉड ऐसे बन रहा है ठीक है। ये रॉड का नेम कुछ दे दीजिए, यही रॉड का दो एंड है ए और बी ठीक है। तो अब समझिए, देखिए जब आपने स्ट्रिंग को इससे ऐड कर रखा है यहाँ से, देखिए ए से अगर ऐड किया है, ए से आप ऐसे लेके गए स्ट्रिंग को स्ट्रेट, इधर से घुमा के लाया और इसी में ही एक लोड आपने यहाँ पे पी लटका दिया, लोड आपका पी आ गया ठीक है। इसका नेम पी रख देते हैं, ये पी आपका लोड हो गया ठीक है। और ये सी पॉइंट हमारा हो गया, सी मतलब ये क्या है, पैग बोला है ना, पैग बोलो चाहे हुक, आप हुक भी बोल सकते हो ठीक है। एक और वायर लेके आना है जो कि बी से लेके आना है, चलिए उसको भी लेते आए और उसको भी लटका दिए ठीक है। और यहाँ पे कितना है? लोड मिला है, यहाँ पे भी पी है, दोनों में सेम लोड हमें मिल रहा है ठीक है। और ये दोनों के दोनों हमारे कुछ एंगल तो ये भी बना रहे होंगे भाई, ये जो हमारी स्ट्रेट स्ट्रिंग है ये वाली, इसके साथ ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा और इसके साथ ये भी एंगल बना रहा होगा ठीक है। तो ये जो इक्वल एंगल्स हैं हमारे, इनके नेम कुछ रख लेते हैं अपने लोग, जैसे कि ये आपका अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों को इक्वल लेट कर लिया ठीक है। और आपको पता है इसने बोला है कि जो बीम है हमारा, ए बी बीम जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वो भी लेट कर लेते हैं, थीटा है ठीक है, तीनों एंगल लेट कर लिए ठीक। और जो हमारी बीम है वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो उसका डब्ल्यू है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मतलब अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू की, तो वो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा, डब्ल्यू डाउनवर्ड वर्क करता हमेशा क्योंकि वेट है, नीचे की तरफ करेगा वर्क। और ये जो हमारा वेट है वो उसकी डिस्टेंस दे रखी है, कहाँ कहाँ से डिस्टेंस दे रखी है भाई, ए से जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नेम दे देता हूँ, ओ नेम दे देता हूँ ठीक है, ये ओ नेम हो गया। और इधर का डिस्टेंस जो है वो बी है, यहाँ से यहाँ तक का ए है और यहाँ से यहाँ तक का बी है, ये तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। देखिए जो हमारा वेट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो दोनों पी के मिडिल में एकदम एकदम मिडिल से होके जाएगी। तो यहाँ से देखिए मैं डॉटेड इसको बना लेता हूँ ठीक है, ठीक है एकदम मिडिल से क्यों काम कर रहा है, क्योंकि दोनों पी जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए एकदम मिडिल से ही जाना चाहिए भाई, बैलेंस कर रहा है ना ये, ए और बी रॉड का जो एंड है उसे वो रोक के रखा है, बैलेंस किया है, इक्विलिब्रियम में, इसलिए उन दोनों पी के मिडिल से जा रहा है। अगर पी और क्यू में कोई बड़ा कोई छोटा होता तो जिस तरफ बड़ा होता उसके जस्ट अपोजिट साइड या उधर साइड या ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जब ये दोनों सेम है तो इनके एकदम मिडिल से जाएगा ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब भी स्ट्रिंग हम लोग लगाते हैं, जब भी कोई धागा लगाते हैं और इसे आप खींच रहे हो एक तरफ से, तो वो धागा भी उसके जस्ट अपोजिट उतना ही आप पर एक प्रेशर लगाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बीसी स्ट्रिंग है, बीसीपी जो है उसमें यहाँ पे एक लोड लग रहा है ना, लोड अगर लग रहा है तो उसके अपोजिट यहाँ पे एक पी उसी के इक्वल और अपोजिट एक उस पर टेंशन लगेगा। हमेशा जो स्ट्रिंग में अपोजिट जो आपको खींचता है उसे फोर्स ना बोल करके प्रेशर बोल देते हैं ठीक है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो हमारी रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, अब हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, लेकिन द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, जो रॉड थी हमारी वो इक्विलिब्रियम में थी है ना, रॉड ने इन्होंने बीम नाम दिया, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम इज इन, यही लिखना है आपको, इज इन इक्विलिब्रियम, जब ये लॉन्ग में आएगा अगर ठीक है, इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस, जैसे जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया, जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको नहीं देखा है। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला जो फोर्स है वो वेट है ठीक है, वेट डब्लू, वेट डब्लू ऑफ रॉड या बीम, डब्लू जो हमारा वेट है उसकी वजह से। सेकंड क्या है, जो हमारा स्ट्रेस बोलो या फिर टेंशन बोल लो, टेंशन पी एट स्ट्रिंग
आप ACP का नाम दे सकते हो, ठीक है। ACP स्ट्रिंग में एक स्ट्रेस या फिर टेंशन लग रहा है, और थर्ड जो पॉइंट है वो भी वही है, टेंशन का ये पॉइंट है, टेंशन P एट स्ट्रिंग BCP, ठीक है। ये तीन एक्शन है फोर्सेस के, जिनकी वजह से हमारा जो बीम है, रॉड है, वो अंडर इक्विलिब्रियम में है और वो अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आप इसमें और एक चीज़ लिख सकते हो कि लेट द एंगल मेड बाय द बीम विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा एंड अल्फा एंगल इज मेड बाय द स्ट्रिंग विद द लोड, ठीक है। पी के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, ठीक है, बोथ पी हैं, ठीक। अब जरा एक चीज़ यहीं पे छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं हम लोग, कि आपका जो एंगल है कुछ, अगर ये थीटा है, ये तो भाई हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका क्या है भाई, ये भी 90 माइनस थीटा है ना। अगर मैं एंगल की बात करूँ सी ओ बी, तो 90 माइनस थीटा होगा, लिख लेता हूँ मैं ये चीज़। देखिए, बिकॉज एंगल सी ओ बी इज़ 90 माइनस थीटा, सो इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी क्या है देख लीजिए, ठीक है, ट्राइंगल देख लीजिए सी ए बी। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ी है पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम क्या थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, जिसने नहीं देखा है वीडियो तो वो लास्ट वीडियो में जाके देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है। और कोई भी ट्राइंगल ए बी सी था हमारे पास, ठीक है, और एक मैंने लाइनिंग ऐसे की, ए से डी को मैच किया और उसने बी सी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे अगर हमें इस एंगल के बारे में पता है और इस एंगल के बारे में अल्फ़ा पता है, इस एंगल के बारे में बीटा पता है, तो ये कहा जाता था कि अगर मैं एम और एन के रेशियो को ऐड करके और कॉट ले लूँ उसका, तो वो इक्वल आता था। अगर आपको एंगल लेना है, जैसे अगर आपको अल्फ़ा के बारे में बात करनी है, तो वो क्या करता था, जो आपके पार्ट्स हैं, एम के साथ अल्फ़ा को ले लेता था कॉट के साथ, एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा, ये ले लेता था, ठीक है। तो इसका यूज़ है, यहाँ पे यूज़ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम है, अगर आपको इससे रिलेट करें तो रिलेट करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉट, ये आपका एंगल जो सी ओ बी है वो पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो आप उसको ले लेंगे कॉट, यू लिख लेंगे आप यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम आप इसे जाके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो और मज़ा आएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने और अच्छे से ब्रीफ किया है। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम क्या हो गया हमारा, कॉट 90 माइनस, एक चीज़ तो ऐड नहीं किया, जो रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे क्या है, रेशियो यहाँ पे ए और बी है ना, देख लीजिए, जो रॉड ए बी है उसका दो पार्ट है, ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस बी और कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब हम रेशियो की बात करें उसके साथ उनका एंगल ले लें, तो देखिए दिखाता हूँ, तो ए के साथ ये जो हमारा ए दिख रहा है आपको, ये वाला ए, इसके साथ हमारा कॉट अल्फा ऊपर वाला हो जाएगा, और ये जो बी है उसके साथ हमारा कॉट बीटा हो जाएगा, सॉरी कॉट अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा ही है ना, सब लिखा अल्फा ही है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए कॉट अल्फा माइनस बी कॉट अल्फा, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं, ये ए प्लस बी तो ए प्लस बी ही है, और जो कॉट 90 माइनस थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में ना, तो ये टेन थीटा हो गया, और दोनों में, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए कॉट अल्फा कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी यहाँ पे होगा, ठीक है, कॉट अल्फा, भाई लेफ्ट हैंड साइड में कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए हमारा प्रूफ क्या था, जरा आपको एक बार दिखाते हैं, प्रूफ के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। देखिए अगर टेन थीटा है हमारा, थीटा तो हमने लेट किया है, तो ये जो प्रूफ हमें लाना है यहाँ पर, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लाना है ना, तो एक तरफ टेन थीटा आया तो थीटा रहने दीजिए, तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा, बाकी जो है उसे देख लिया जाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो हमारा ये टेन में आ चुका है, ए प्लस बी को डिवाइड कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, चलिए इसको कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे अल्फ़ा भी, अल्फ़ा की भी वैल्यू लानी है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देख रहा था कि जो प्रूफ है उसमें यहाँ पे इनसाइड में ए माइनस बी ए प्लस बी तो प्रूफ हो चुका है, ये टेन है यहाँ पर, कॉट नहीं है, हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है कॉट में, तो इसे एक काम करते हैं पहले इसे टेन में ही बदल लो, तो कॉट को टेन में बदलना है तो
तो सिंपली वही कर लेते हैं क्या, सेम वही चीज़ जैसे 90 माइनस थीटा होता है तो 10 कॉट में बदल जाता है, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं आप। क्या लिखेंगे कि जो हमारा, चलिए एक लाइन और भी कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये जो हमारे ब्रैकेट में है उसको जैसे है वैसे वैसे के वैसे लिख देते हैं, जिससे आपको लगा कि हम प्रूफ के करीब हैं। अभी कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा को क्या आप 10 में 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें खाली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें प्रूफ करके क्या लाना है, देखिए सिर्फ उतने के प्लेस पर आपको साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी लाना है। तो ठीक है, बाकी सब कुछ हो चुका है, आधे ज़्यादा प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। तो बात करते हैं आगे की, इसे इक्वेशन वन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कई सारी थ्योरम पढ़ी थी उसमें एक मूमेंट पढ़ा था, एक लामी थ्योरम पढ़ी थी, मैंने बोला था इन दोनों का यूज़ हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर मीट इन अ पॉइंट कर रहे हैं तो लामी थ्योरम लगा दीजिए, बिल्कुल मीट इन अ पॉइंट कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं वो मीट इन अ पॉइंट ही कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप डब्ल्यू की बात करो तो मैं इसे अपवर्ड अगर लेता हूँ, अपवर्ड थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अपवर्ड ऐसे दिखाऊँ, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा ऊपर तक बढ़ा दूँ, ये हो गया। और जो हमारा पी वन है या फिर पी है वो इधर को लग रहा है, और ये वाला यहाँ देखिए मीट इन अ पॉइंट करा है यहाँ पे पॉइंट सी पर। अब हमें सिर्फ बात करनी है यहाँ पे एंगल की, तो अगर आप डब्ल्यू की बात कर रहे होते हो तो डब्ल्यू को छोड़कर दोनों पी में कितना एंगल है, टू अल्फ़ा, देख लीजिए टू अल्फ़ा हो जाएगा, तो यानी डब्ल्यू अपॉइंट टू साइन टू अल्फ़ा हो जाएगा। और आप पी की बात करो, किसी भी एक पी की बात करो, तो इस पी की अगर बात करो तो इस पी को छोड़कर बाकी भी दूसरे दो फोर्सेज यानी पी और डब्ल्यू के बीच में एंगल कितना है, यानी ये एंगल कितना है, बट पूरा तो पाई है, यहाँ तक पूरा घुमा के देखे तो पाई है, लेकिन सिर्फ पूरा भाई पाई है, और इतना क्या है अल्फ़ा, मतलब ये देखिए अल्फ़ा है, तो इतना कितना बच रहा है यहाँ से यहाँ तक, पाई माइनस अल्फ़ा। ये बात क्लियर है, मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ, ठीक है, साफ़ सुथरा हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई, तो मैं देखिए लिखता हूँ इस बात को कि बिकॉज डब्ल्यू पी कॉमा पी आर मीटिंग एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे मीट कर रहे हैं, सो यूजिंग लामीज थ्योरम, ठीक है, लामीज थ्योरम मैंने यूज़ की, और मैंने क्या किया, सिंपली डब्ल्यू अपॉन देखा मैंने, डब्ल्यू को छोड़कर बाकी पी पी के बीच में एंगल टू अल्फा था, और जब मैं पी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ डब्ल्यू और पी के दूसरे डब्ल्यू और दूसरा पी जो है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस अल्फा, टोटल में से अल्फ़ा कम कर दिया गया, ठीक है, टोटल में से अल्फ़ा कम कर दिया गया। अच्छा तो बात समझते हैं, अब इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और उठा करके यहाँ पर रख देंगे, बल्कि यहाँ पर उठा के रख देंगे। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए मैंने फिर से लिख लिया, अब करना क्या है भाई, देखिए डब्ल्यू अपॉन साइन टू अल्फ़ा तो ठीक है, हमें कुल मिला के अल्फ़ा एक तरफ बचाना है, पी और डब्ल्यू तो कोई बात नहीं है, पी डब्ल्यू की कोई दिक्कत नहीं, साइन पाई माइनस अल्फ़ा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव, इसके अलावा जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो बात तो साइन की है, कोई दिक्कत ही नहीं, साइन साइन ही रहेगा, नो चेंज भी होता है, तो साइन अल्फ़ा हो गया। अब देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आप कर सकते हो टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फ़ा, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, साइन अल्फा टू साइन अल्फ़ा कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को राइट पे भेज करके बाकी सारी चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूँ। सो कॉस अल्फ़ा विल बी डब्ल्यू अपॉन टू पी, ये चलेगा, पी को मैं नीचे भेज दिया, ठीक है, कॉस अल्फ़ा को राइट में भेज दिया। तो अपने को पुट क्या करना है भाई, अपने को पुट तो टेन में था ना, दिखाता हूँ, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन नंबर वन था वो तो यहाँ पे टेन में था ना, देखिए तो टेन निकालना है तो साइन और कॉस दोनों ही निकाल लीजिए, है कि नहीं, या फिर साइन और कॉस की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैं आपको टेन निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो कॉस को क्या,
ये तो देखिए सिंपली, अगर कॉस अल्फा को मैं लिखना चाहूँ साइन में कन्वर्ट करके, तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, ये आपका डब्लू बाई टू पी हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सिंपली डायरेक्टली टेन को हटाए बिना पाई बाई टू माइनस अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, मतलब केवल अल्फा निकालना चाहते थे लेकिन पाई बाई टू माइनस अल्फा पूरा का पूरा ही आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, ये साइन इनवर्स डब्लू अपॉन टू पी के कन्वर्ट इक्वल होगा। वो आप जैसे ही पाई बाई टू माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या, देखिए ये एक पेज बच्चों ऐसे छूट गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर वन में पाई बाई टू माइनस अल्फा के प्लेस पे जैसे पुट करेंगे, सो दी आंसर विल बी देयर फॉर अस, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, जैसे आप पुट करने वाले हो देन यू विल गेट दी आंसर एज थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, एक मिनट टेन इनवर्स तो लिखा ही नहीं मैंने, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर हो गया अपना टेन टेन ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स डब्लू अपॉन टू पी, और ये आपका बंद हो गया। एंड दिस वॉज द आंसर वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, ये हमारा आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a, रेस्ट बीम की लेंथ 2a है, इन रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सारे फोर्सेस का जो सम है वो परफेक्टली ज़ीरो हो रहा है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में, मतलब वो उसकी प्लेस चेंज नहीं हो रही। अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, एक कोई स्मूथ वॉल है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि स्मूथ वॉल इसलिए बोला है क्योंकि अगर वो स्मूथ नहीं होती तो उसका खुद का भी एक फ्रिक्शन होता तो एक नया फोर्स और आ जाता एग्जिस्टेंस में, ठीक है, तो इसलिए स्मूथ वॉल बोला है। एंड अपॉन अ पैक, कोई एक पैक लगा हुआ है, वहाँ पे हमारी बीम रेस्ट कर रही है, ठीक है, पैक की बात हो रही है, जिसे आप हुक भी बोल सकते हो, एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द वॉल, कह रहे वॉल से बी डिस्टेंस पे एक हुक है, ठीक है, उस पर हमारा ये रॉड जो है वो टिका हुआ है, ठीक है, शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम टू द वर्टिकल इज इतना, तो वर्टिकल के साथ यानी वॉल के साथ जो हमारा बीम एंगल बना रहा है वो इतना बना रहा है, तो ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग, पहले हम लिख लेते हैं लेट डो बीम मेक्स थीटा एंगल विद द वॉल, यानी वॉल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, आप इसे वॉल की जगह पे वर्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका जो डायग्राम है हम लोग बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारी वॉल हो गई है, ये एक वॉल हो गई, ठीक, वॉल के किसी पॉइंट पे हमने लेट से इस पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे एक मैंने रॉड बनाई है, एक सेकंड रॉड अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, ये रॉड हो गई, रॉड का नेम कुछ रख दो आप, नेमिंग कर देते हैं लेट से ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये जो हमारे वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है यानी वॉल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अच्छा ये ऐसे तो टिक नहीं जाएगी भाई, इसको टिकाने के लिए हमें एक पेग लगाना पड़ेगा, वही जिसकी पेग की बात कर रहे थे, तो लेट से वो पेग यहाँ पर है इस सी बिंदु पर, सी पॉइंट पर, ठीक है, और आप सोचिए तो उसके बाद हमें क्या बनाना चाहिए, इसका एक वर्टिकल बनाना चाहिए, जब भी वॉल के आप सहारे आपने उसे टांग दिया एक तरीके से, तो उस वॉल के जस्ट परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, और जब आपने यहाँ पे पैग सी लगाया, सी पर मान लेते पैग लगा दिया आपने यहाँ पे सी पर, तो जो पैग होगा उस पर ये रॉड ऐसे प्रेशर डालेगी ना, और जब प्रेशर डालेगी तो इस प्रेशर के जस्ट अपोजिट इसके परपेंडिकुलर में एक हमारा रिएक्शन फोर्स और लगेगा, यहाँ पर रिएक्शन आर से लिखा, यहाँ पर रिएक्शन को आप एस से लिख दो या एस वन एस टू कर दो या आर वन आर टू कर दो, ठीक है, आर के बाद एस लिख दिया मैंने, तो इसकी भी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो ऐसे करते हुए पीछे हट जाने वाली है ना, और जो हमारा ये जो पेग है सी, वो उसके बारे में कुछ बोला, पेग एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द वॉल, कह रहे कि जो हमारा पेग है
वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक सेकेंड इसकी बात करूँ, ये जो स्ट्रेट है यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, एक सेकेंड कलर चेंज, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी स्मॉल बी है, अच्छी बात है। तो ये 90 डिग्री होगा भाई, सीधी सी बात है ना। और ये 90 होगा तो अच्छी बात है, इस साथ ही साथ हमारा ये एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि वॉल और ये जो हमारा सी एम लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और एक चीज़ और, ये 90 है साथ ही साथ ये भी 90 होगा, है ना, है कि नहीं। तो जब ये 90 है ये भी 90 है, तो अगर मैं एंगल और एंगल्स की बात करूं तो क्या होने वाले हैं वो सारे के सारे एंगल्स, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए एंगल से पहले एक और बात कर लेते हैं, जो रॉड की टोटल लेंथ थी वो 2A थी, ठीक है, और वो जो 2A है भाई वो, और 2A तो ठीक है, कहीं मिडिल में कहीं ना कहीं A8 तो बचेगा ही, ठीक है, जिसमें इसी पॉइंट पे ये हो गया, और ए पार्ट हमारा ऊपर की तरफ, मतलब भाई जी जो इफेक्ट करेगा वो ग्रेविटेशन पे करेगा ना डाउनवर्ड, इतना ए और हो गया यहाँ तक, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया। अब जो यहाँ से हमारा जी इफेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नेम आप ओ रख सकते हो, जी रख सकते हो, जो मन करे रख सकते हो, वैसे जी रख लेना और भी अच्छा रहता है, कि जी फॉर ग्रेविटेशन होता है एक तरीके से। और यहाँ से हमारा जी इफेक्ट करेगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अच्छा डाउनवर्ड होगा तो कैसे होगा, जरा आपको दिखाता हूँ एक बार, एक सेकंड रुकिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये डाउनवर्ड जो होगा वो एक्ट कैसे करेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और एकदम इसके पॉइंट से वो करके जाएगा ये, ठीक है, यहीं पे हमारा जो रॉड का W होगा वो W वर्क करेगा, और ये W भी डाउनवर्ड है, तो यानी ये भी एंगल हमारा थीटा ही निकल के आएगा, ठीक है, तीनों थीटा होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, अब एक और एंगल की बात कर लेते हैं, ये लेट्स से इस वाले पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो ये OS लाइन गई है वो AB लाइन पर 90 डिग्री बनाती है, मतलब इतना अगर एंगल आप बात करो इतना दिख रहा होगा 90 है, जिसमें ये वाला एंगल आपको थीटा दिख रहा होगा, तो इतना कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 है तो ये कितना बचेगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, दिस इज योर थीटा एंगल एज वेल। अब सारे के सारे डिनोमिनेशंस हो गए, सारे के सारे नोमेनक्लेचर हमने कर लिए, अब सिंपल हमें प्रोसेस पे आना है। तो तीन पॉइंट लिखने हैं आपको पहले से ही, कि द रॉड इज द बीम या फिर रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, जो मेन चीज़ समझना था वो मैंने बता दिया, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर दीज फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई, देखिए पहला फोर्स क्या है, सबसे पहला तो फोर्स आपका W ही है, W वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है, W वेट पहला फोर्स है आपका। दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स आप जान ही रहे हो, S की बात कर लो आप, है ना, और एक तीसरा फोर्स बात कर लो जो कि R है आपका। तो चलिए पहले R लिख देते हैं, R रिएक्शन ऑफ वॉल, है ना, रिएक्शन ऑफ जो वॉल है वो है, और जो थर्ड है आपका वो रिएक्शन फोर्स है उसका, किसका, जो जिस पैग पे वो बना हुआ था, है ना, जिस पैग पे वो था, S जो कि रिएक्शन है पैग पर, है ना, ये सारे फोर्सेस हैं जो कि वेट्स भी बोल सकते हैं और फोर्सेस भी बोल सकते हैं, जिनकी वजह से ये हमारा इक्विलिब्रियम में था। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमें प्रूफ जो लाना था वो साइन, यानी एक केवल एंगल लाना है, कोई फोर्स के बारे में प्रूफ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी भी तरह का फोर्स प्रूफ में नहीं लाना है, देखिए यहाँ पे सिंपल एंगल लाना है, तो एंगल एंगल पे बात करनी है, फोर्स पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल बी एम और सी पे बात करते हैं, देखिए लिखता हूँ इसको, तो मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल बी एम सी। अब देखिए साइन में प्रूफ है तो साइन की बात करिए, है ना, इन ट्राइंगल बी एम सी में आप साइन की बात करेंगे, साइन साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, एंगल यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन बी सी, ठीक है, लिखता हूँ, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी, जिसमें से बी एम की वैल्यू हमको पता है, बी एम कितना है स्मॉल बी, और बी सी की वैल्यू नहीं पता है, सो ये हो गया हमारा स्मॉल बी अपॉन ए सी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक क्वेश्चन नंबर आप 1 लेट कर लो। अब देखिए, तीन ट्राइंगल बनाए हम लोगों ने, उन तीनों की एक एक करके बात करते हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं? देखिए, अब एक और ट्राइंगल लेना जिसमें 90 डिग्री बनता हो, मतलब बी ओ और जी की बात कर लेते हैं। चलिए बी ओ जी ले लेते हैं। एन ट्राइंगल बी ओ जी, अब बी ओ जी में भी साइन थीटा लगा दीजिए भाई, उसमें भी साइन थीटा है, कहाँ है आप देख लीजिए, दिखाता हूँ मैं। बी ओ जी में थीटा कहाँ है? साइन थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, साइन थीटा लगाइए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी ओ अपॉन बी जी, ठीक है, जिसमें हमें बी जी की वैल्यू पता है जो कि ए है, ठीक है, लिख लेते हैं। साइन थीटा यहाँ पे भी आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी जी, ठीक है। तो बी ओ की वैल्यू एक मिनट दिखा देता हूँ, बी ओ की पूरी वैल्यू नहीं पता देख लीजिए, लेकिन बी जी की पूरी वैल्यू पता है, उसे लिख लेते हैं। तो बी ओ रह गया और बी जी की वैल्यू ए दे रखी है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ठीक है, एक और ट्राइंगल बन रहा है, उस पर भी देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। एक और ट्राइंगल है आपका 90 डिग्री वाला, और वो ट्राइंगल है, और वो है ट्राइंगल बी ओ सी, जहाँ पे सी पे 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं और इसमें भी साइन लगा देते हैं। चलिए, एन ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें भी साइन लगाइए भैया। वो इसमें साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, जरा सोच के बताइए, तो देख के। तो थीटा इसमें तो भाई यहाँ पे है ना, थीटा यहाँ पे, तो थीटा है तो थीटा के सामने 90 डिग्री होगा, यानी बी सी अपॉन बी ओ। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, सो दिस विल बी बी सी अपॉन, एक बार और देख लेता हूँ, बी सी अपॉन बी ओ, ठीक है, बी ओ। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी हमारा आ गया, बी सी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन बी ओ की वैल्यू भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हेल्प हो जाएगी इसकी, देखिए कैसे दिखाते हैं। बी सी अपॉन बी ओ में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर हम इस्तेमाल करें तो हेल्प मिल सकती है। यार यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ए सी लिख गया, बी सी होगा यहाँ पे, ये बी सी है, सॉरी, ठीक है, तो सही कर लीजिए, ये बी और सी, ठीक है। अब देखिए हेल्प मिल जाएगी कैसे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एक काम करते हैं। देखिए अगर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करवाता हूँ आप लोगों का, यहाँ पे अगर मैं बी सी फाइंड आउट कर लेता तो क्या निकल के आता, जरा सोचिए। बी सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा हो जाता है ये। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 रखिए, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 आप बोल रहे थे इतनी देर से, उसमें बी ओ की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता यहीं पे ही, चलिए बी ओ की वैल्यू निकाल के आप खुद बताइए, तो यहाँ पे बी ओ कितना हो जाने वाला है भाई? बी ओ इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी ओ इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना, सो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है, ठीक। अब इन दोनों को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 3 यानी इन इक्वेशन जो लास्ट बनाया है उसमें उठा के रखते हैं, तो क्या बनने वाला है? बी सी की वैल्यू होगी हमारी बी अपॉन साइन थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो देखिए साइन 3 साइन हो गए, तो साइन क्यूब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल गया? बी अपॉन है। इसे थोड़ा सा आप रिड्यूस करोगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसे, तो रिड्यूस क्या करेंगे, सिंपली देखिए, पहले क्यूब रूट हटाइए यहाँ से, तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो बी अपॉन ए होल पावर 1/3 हो गया ये, एंड आफ्टर दैट थीटा के साथ साइन इनवर्स हटाइए, कहने का मतलब है साइन हटाइए तो उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स बी अपॉन ए होल पावर 1/3, एंड दिस वॉज द आंसर वी वर रिक्वायर्ड टू प्रूव, यही था ना हमारा आंसर। देखिए ये प्रूव हो गया, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में भी करा दिया मैंने, ठीक है, और भी अभी 3-4 क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे और भी कराने हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए और वीडियो और क्वेश्चंस को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, बाकी जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सब्सक्रिप्शन बढ़े, बाकी वीडियोस तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, एक्चुअली आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड,
बहुत बिजी था तो इसलिए नहीं अपलोड कर पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइमिंग पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।